नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत पटेल है एंड फ़िलहाल मैं एज अ इंडियन फिल्म मेकर काम कर रहा हूँ। साथ में ही मेरी 15 साल से मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा हूँ मुंबई में फ़िलहाल। बट साथ में मैं हमेशा यही सोचता रहा कि ऐसा क्या काम है जो सबके लिए ज़रूरी है, लाइक एनवायरनमेंट के लिए, इंसानों के लिए, साइंस के लिए। और ड्यूरिंग दिस 4-5 साल, मतलब पिछले 4-5 साल के रिसर्च के दौरान मुझे एक ही दिशा नज़र आई, लाइक वो भी हमारा भारतीय गौवंश। भारतीय गौवंश में इतना स्कोप है कि पूरा कंट्री धीरे धीरे सस्टेन हो सकता है डेफिनेटली। और वही सोच के साथ आज हमने शुरुआत तो कर दी है धेनु परिवार के नाम से, जो हमने गांधीनगर में, गुजरात में आया हुआ, गांधीनगर कैपिटल है उसका, गांधीनगर में पेथापुर विलेज में हमारा फैमिली फार्म है, वहीं पे हमने ये शुरुआत की है कि जहाँ भारतीय गौवंश को उनका घर बना के दिया जाएगा, जिसमें गौचर होगा, उनके उनके लायक जगह होगी, जैसा गौवंश को चाहिए, जैसा हमारी गायों को होना चाहिए, वैसा घर बनाने की हमने एक शुरुआत की है, कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। कहने की बात है कि क्यों ये शुरुआत करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय में जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स, मेडिसिन मटेरियल्स, फूड मटेरियल, सब में ज़रूरत है, उसमें गौवंश का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इन बिटवीन ऑफ द करियर ये डिसाइड किया कि गौवंश के पीछे काम होना बहुत ज़रूरी है, हमें सबको गौवंश के एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। क्योंकि देखो, हम सब जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ जॉब, बट एवरीवेयर वी आर अंडर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, राइट? हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस है, डेफिनेटली है। जैसे फिल्म मेकर में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो एवरीवेयर कहीं ना कहीं किसके अंडर में काम करना है, तो भाई गौवंश के अंडर में क्यों ना काम किया जाए। और यही सोच से हमने ये शुरुआत की है कि ऐसे गौवंश के लिए घर बनाया जाए जहाँ वो मन से खुश रह सके, उनको अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड, लाइक जो उनको हरा चारा पहले मिलता था सदियों पहले, वैसे चारा मिल सके, वो वैसे ही उत्पादन कर सके, वैसा ही गौमूत्र, वैसा ही शुद्ध गोबर दे सके, जिससे हम आगे बहुत सारे उत्पादन कर सके। हमने काफ़ी हद तक सक्सेस किया भी है और काफ़ी प्रोडक्ट्स के ट्रायल और डेमोंस्ट्रेशन भी हो गए हैं, जो धीरे धीरे हम आपको इसी फेसबुक पेज और चैनल के ज़रिए आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। गांधीनगर में जो शुरुआत मैंने किया है, वही सोच के साथ अगर कम से कम पूरे इंडिया में, गुजरात के साथ पूरे इंडिया में अगर कम से कम 1000 लोग भी ऐसी शुरुआत करते हैं जहाँ पे गौवंश के आधारित पूरी इकोनॉमी डिज़ाइन की जाए और सस्टेनेबल किया जाए, क्योंकि गौवंश में इतनी शक्ति है और इतना फ्यूचर स्कोप है कि वो हमें सबको सस्टेन करके खुद अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। किसी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि गौवंश के पीछे काम करने से कितना खर्चा है, कहाँ से लाएंगे। वो कुछ नीति नियम हैं और कुछ उसकी साइकोलॉजी है कि गौवंश के साथ कैसे काम किया जाए और कैसे रहना है। गौवंश खुद, गौ माता खुद आपको सारी चीज़ करके देगी, लाइक अ बॉस। जैसे हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी ऑफिस में हम बॉस के सामने अच्छा काम करते हैं तो खुद हमें प्रमोशन देते हैं, खुद हमें सैलरी बढ़ा के देते हैं, खुद हमें कहीं बिजनेस शेयर ज़्यादा मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस का हमें हाइक मिलता है, हमें आगे बढ़ावा मिलता है। तो गाय माता का भी वैसा ही है कि उनके सामने एम्प्लॉयमेंट, एज ए एम्प्लॉयर काम करने में, एज ए एम्प्लॉय वर्क करने में, और अगर आप जेन्यून हो तो आपको बढ़ावा मिलता ही रहेगा, सबको इकोनॉमी मिलेगी। अभी तक ये इकोनॉमी को तो हम लॉस करते आए हैं, और यही सोच को पूरा करने के लिए धेनु परिवार की स्थापना हुई है। हमारे परिवार ने, मेरे घर में, मैं, मेरी वाइफ, हमारे बच्चे,
सबको धीरे धीरे इसमें ध्यान दे के कुछ ना कुछ करना ही है, तभी जाके आगे इकोनॉमी तो है बहुत है, बट आगे जाके जो एनवायरनमेंट सेफ, हमारा साइंस सेफ, हमारी हेल्थ सेफ, हमारा फूड सेफ, ये सारी चीज़ें सेफ रखनी है, और हमारा न्यूक्लियर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो तैयारी रखनी है, तो आज से ही सारे न्यू एंटरप्रेनर्स, जितने भी लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों को तो मेरा सजेशन है कि एक बार इसके पीछे सोचिए, क्योंकि वही करोड़ों रुपए आपको इसमें से भी कमाने मिल सकते हैं, बट आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। लाइक एवरी बिजनेस हैज़ देयर मेथड, देयर रिक्वायरमेंट, इसमें भी वो डेडिकेशन है, उसमें भी ये मेथड है। हम तो कर रहे हैं और हमको हमारा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च की है। सब प्रोडक्ट्स को देखने जाए तो बहुत ही कॉमन है, हमारे वैदिक साइंस से जुड़ी हुई है, इसलिए उसमें हमारा सबका अच्छा है, हेल्थ अच्छा रहना है, पर्यावरण अच्छा रहना है, हमारी जनरेशन्स अच्छी रहनी है, हमारी मानसिकता अच्छी रहनी है, हमारा माइंड डेवलपमेंट जो है वो ओरिजिनल ट्रैक पे, वो अच्छी ट्रैक पे रहना ज़रूरी है। ज़्यादातर नेगेटिविटी के तरफ जाता है, तो पॉजिटिविटी के तरफ जाए उसके लिए गौवंश, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो भी शुद्ध, नहीं तो उसका मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ आपको गौ आधारित उत्पादन मिले या उसकी प्रोडक्ट दिखाई दे, उसकी क्वालिटी देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत उसको खरीदिए। क्यों? क्योंकि गौ आधारित प्रोडक्ट की डिमांड ही गौपालकों का मोटिवेशन बढ़ा सकती है। आप सब जगह ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ऑनलाइन कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको 1-2 times आपको यूज़ होता है, फिर भी आपको वर्थ लगता है, वो सारे पैसे इन्हीं के मर्चेंडाइज में, इन्हीं के बनी हुई चीज़ों में डालिए, जिसमें से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। हम लोग ऐसे भी लोगों ढूंढ रहे हैं जो धेनु परिवार की रचना अपने अपने शहर में करें। हमसे कोई लीगली परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं है, धेनु परिवार के नाम से सब अपने अपने शहर में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, धेनु परिवार की जवाबदारी क्या है कि ये सब लोग जो भी उत्पादन करेंगे, जितने भी धेनु परिवार इंडिया में स्थित होंगे, धीरे धीरे बनेंगे, और वो सब लोग जो भी उत्पादन करेंगे, वो सबका हम एक सेंट्रल मार्केटिंग सिस्टम बना के काम करें, ताकि सबको अपना उत्पादन के लेवल का काम मिले। जिसका जितना ज़्यादा जगह होगी, जिसका गौवंश जितना बड़ा होगा, उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा होगी। तो सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी में अपना अपना गौचर एंड धेनु परिवार की रचना करने की डिज़ाइन स्थापना कर सकते हैं। जिन लोग घर पे बैठ के अपने काम में व्यस्त है या दूसरे कामों में व्यस्त है और नहीं बदल सकते हैं अपना काम, वो लोग गौ आधारित सारी प्रोडक्ट्स को साइंटिफिकली लीजिए, लॉजिकली देखिए, और आपके आसपास गौ आधारित प्रोडक्ट्स होनी क्यों ज़रूरी है वो सोचिए, और उसी को लेने की डिमांड रखिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड सब लोग धीरे धीरे खुद ही समझ पाएंगे कि एक गाय का होना हमारे देश में कितना 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 ज़्यादा कीमती है। बस अभी तो फ़िलहाल यही कहूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा कुछ चीज़ें और बहुत सारी बातें और भी आपके साथ शेयर करने के लिए आऊँगा। धेनु परिवार के इस विचार के साथ जुड़िए, ताकि आपको सारी प्रोडक्ट्स की धीरे धीरे अवेयरनेस हो, आपको पता चलेगा क्या प्रोडक्ट्स बन रही है, कैसे ख़रीदनी है, कहाँ से अवेलेबल होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स इट। मीनवाइल आई एम राइटिंग माई स्टोरीज, और ये धेनु परिवार की स्थापना धीरे धीरे कैसे की जाए उसमें ध्यान दे रहा हूँ। थैंक यू।